भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल नहीं जाएंगे, ये मोदी जी कर रहे हैं। लालू यादव क्या भ्रष्टाचार किए तो जेल नहीं गए क्या? ये केजरीवाल नहीं नटवर लाल है, ये हर एक बात में झूठ बोलता है। ये बोलता है लोकपाल बिल पास करेंगे, ये लोकपाल कभी बिल पास करने वाला नहीं है। जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, अब एक के साथ एक फ्री देना तो ये तो गलत ही है ना। अगर मान लीजिए शिक्षा के ऊपर उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं हो रही है, शराब के ऊपर इंक्वायरी हो रही है, जब इंक्वायरी हो रही है तो साथ दीजिए और बाहर आ जाइए। अब भाई साहब क्या नाम है आप? मेरा नाम सुमित है जी। सुमित जी क्या कहेंगे, मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, केजरीवाल जी कह रहे हैं बहुत बुरा कर दिया। नहीं, केजरीवाल को भी साथ साथ गिरफ्तार करना चाहिए था, केजरीवाल भी साथ में वो है ना बराबर का। तो कह रहे हमारा बेस्ट शिक्षा मंत्री को मेन क्या होता है, जो हेड होता है वही सारी चीज का जिम्मेदार होता है, उसके डब्बे कैसे भी हों कमांड तो इंजन से ही आती है ना। बस मेरे कहने का मतलब यही है। तो आप कह रहे केजरीवाल को भी गिरफ्तार करना चाहिए, साथ में करना चाहिए ना, केजरीवाल को भी गिरफ्तार करो। वो तो कह रहे मनीष सिसोदिया को ही गलत करवा दिया, बीजेपी करा दी। नहीं नहीं, बीजेपी ने कुछ नहीं करवाया, ये इनका अपना खेला हुआ पाप है जो ये भुगत रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे, मनीष सिसोदिया को आज सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, केजरीवाल का कहना है कि ये बीजेपी करा रही, सब कुछ बीजेपी कर रही है, ये विकास भी बीजेपी कर रही है, इनके साथ तो विकास भी नहीं हो रहा, ये घोटाले करते रहे और फिर जब इनसे प्रश्न पूछे जाए या इनको पकड़ा जाए तो क्या कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है, बीजेपी कर रही है। अरे खुद तो करो, घोटालों के अलावा खुद तो भी कुछ कर दो। खालिस्तानी मूवमेंट रिवाइव कर दी इन्होंने, जो चौकी को घेर कर भीड़ तंत्र जो है वो उसको अपने एक आरोपी को आजाद करवा रहा है वहां पे, और ये कहेंगे बीजेपी करवा रही है, इसमें भी बीजेपी का रोल आएगा। आज जो है सबसे फेलियर कोई अगर गवर्नमेंट आती है वो आम आदमी पार्टी की आ रही है, और अरविंद केजरीवाल जो दिखावा नाटक कर रहे हैं ना, इनका पूरा गैंग कभी गांधी जी के सामने समक्ष बैठ जाते हैं वहां पे राजघाट पे, क्या बना दिया गांधी जी को इन्होंने। गांधी जी ये महापुरुष हैं, वहां घोटालेबाज, वहां इस तरह के शराब एक से एक साथ जो एक बेचने था जहर बेचने वाले जो लोग हैं, आज वो कभी भगत सिंह के औलादे बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। और आज ये राजनीति जो हो रही है ना, बंद कर दे इनसे, नहीं तो पब्लिक आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। इन महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए ना, एक घोटालेबाज आदमी जो लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला करता है, अपने दोस्तों को वहां पे साउथ की लिक्विड एजेंसीज यहां ला रही हैं, पूरे प्लान के तहत फोन जो है उससे एविडेंस मिटाया जा रहा है, अगर कुछ नहीं था तो फोन बदलने की सिम तोड़ने की क्या जरूरत थी आपको। आज जब लिप्त पा रहे हैं तो क्या इमोशनल ड्रामा खेल रहे हैं, जनता का सिंपैथी गेन जिसको करने के लिए क्या कर रहे हैं सारे, कभी मोदी जी को करें, सिर्फ मोदी जी करे, करना करनी अपनी है, मगर क्या है आरोप किसके ऊपर। ये आजकल कल को सुप्रीम कोर्ट भी अगर दे देगा ना सजा इनको, ये बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट भी बिक गया, जैसे राहुल गांधी बोलते हैं ना आजकल के टाइम पे, सीबीआई बिक गई, ईडी बिक गई, सब कुछ बिक गया। अरे यही काम तो संविधान, गुजरात में लोग का पोल खुल गया है, क्यों नहीं गुजरात में जीत गया, किस लिए ये पब्लिक जनता समझ गई कि केजरीवाल फ्री में नहीं दे रहा है, फ्री में कुछ नहीं दे रहा है। ये तो रहा था एक के साथ एक, दारू फ्री, बोतल फ्री, पौआ फ्री, ये इसके पास क्या था, कुछ नहीं था प्रचार में, एक छोटा गाड़ी भी दिया था, एक कोई मालधनी लोग व्यापारी लोग। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है, आप क्या कहना चाहेंगे, केजरीवाल जी कह रहे हैं जनता सब जानती है ये बीजेपी करा रही है, मोदी करा रही है, ये भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल नहीं जाएंगे, ये मोदी जी कर रहे हैं। लालू यादव क्या भ्रष्टाचार किए तो जेल नहीं गए क्या? ये केजरीवाल नहीं नटवर लाल है, ये हर एक बात में झूठ बोलता है। ये बोलता है लोकपाल बिल पास करेंगे, ये लोकपाल कभी बिल पास करने वाला नहीं है, सुखपाल बिल पास करेगा, दिल्ली को ना 10 साल में कचरा बना देगा, दिल्ली में कोई नहीं रहेगी, फ्री फ्री खाने वाले ना अपना घर फ्री में छोड़कर भागेंगे, ऐसा प्रजापरण हो जाएगा। सबसे बड़ा शिक्षा मंत्री, सबसे बढ़िया शिक्षा मंत्री नहीं है, लुटेरा है, ये जाकर देखिए रामलीला मैदान में प्राइवेट बोतल का दुकान खोल करके रखा हुआ है, प्राइवेट सब जगह एक के साथ एक फ्री, यही लोकपाल बिल पास करा था, भारत को महान बना रहा लाल है, देश को ये श्रीलंका बना दिया रहता, प्योर इज श्योर, ये पाकिस्तान जैसे कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, श्रीलंका मांग रहा वैसे ही कर दिया रहता। मनीष सिसोदिया को गलत पकड़ा है, मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, मनीष सिसोदिया बहुत अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। हाँ, लालू यादव भी निर्दोष थे,
जब बिहार का खजाना ले जाकर घर में रख दिए और बिहारियों को बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया बिहार को। ये लालू यादव है, ये 20% के लिए लड़ रहा, मोदी जी 90% के लिए लड़ रहा। ये लोग 20% के लिए बहुरूपिया रूप धारण करता है, टोपी पहन लेगा। ये जनता नहीं समझ रही है क्या? बहुत कुछ जनता समझ रही है। आए केजरीवाल नहीं, नटवर लाल है सर, झूठ बोलता। लोकपाल भी पास कर दे, करा दीजिए, नहीं करेगा। फ्री फ्री खा रहे हैं ना, फ्री में घर छोड़कर दिल्ली से भागेंगे। पंजाब के विकास के लिए कुछ नहीं किया है, पांच के झाड़ू भेज दिया है कि झाड़ू मारो पंजाब में, और कुछ मत करना विकास। आज खालिस्तानी उठ रहा है, मुड़ी उठा रहा है, क्यों उठा रहा है? मोदी जी नहीं है, एक केजरीवाल है, सब फ्री कर देगा। आओ पाकिस्तान, जाओ पाकिस्तान। वो तो कह रहे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे अरविंद केजरीवाल, जनता बनाएगी। क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, ये कैसे बनाएगा? फ्री का उसका घर में पैदा करता है क्या सोना चांदी? राहुल जैसा, राहुल आलू से सोना पैदा कराता है, घर में फ्री में सोना का फैक्ट्री रखा है क्या? निकालेगा, ये पब्लिक का पैसा वैसे बना है। ये कांग्रेस के जमाने में हम भी था मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में 2007 से मैं काम कर रहा हूँ। एक केजरीवाल है, एक केजरीवाल ईमानदार है, केजरीवाल ईमानदार है, मनीष सिसोदिया ईमानदार है, पूरी सरकार कह रहे हैं, अतिशी कह रही है। ये नटवर लाल है, ईमानदार नहीं है, नटवर लाल है, ये ठगता है पब्लिक को, ठग रहा है। दिल्ली को भी बुझा जाएगा पब्लिक को फ्री खाने का। एक दिन ऐसा समय आएगा दिल्ली में फ्री में घर छोड़कर भागेंगे, फ्री में घर छोड़कर भागेंगे। अखंड भारत मोदी जी बनाएंगे, अखंड राहुल नहीं बनाएगा। पाकिस्तान श्रीलंका एक में हो जाएगा, अखंड भारत हम बनाएंगे। हाँ, मैं देखिए मोदी जी के लड़ने के लिए मैं बंगाल में भी था, शुभेंदु अधिकारी को वहाँ जीता दिया, ममता बनर्जी के कलकत्ता ने मेरे को डंडा से मार दिया। मैं बोला मैं ममता को हराऊंगा, नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी के पास चला गया। मैंने यही कहा, ममता के कर्जदाताओं को खुश, केजरीवाल को प्रधानमंत्री नहीं बनाओगे, कैसे बनाएगा? झूठा नटवर लाल, झूठ बोलता है बार बार में। लोकपाल बिल पास करे, ये अपना जो बोला था वो बिल पास कर दे, तब नहीं समझेंगे। फिर क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं देश की जनता सब जान रही है, जनता को सब पता है, मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, गलत तरीके से बीजेपी सीबीआई से फंसवा रही है मनीष। देखिए, आपने लोगों की आवाज सुनी है, जन आवाज बोल ही रहे हैं कि राज्य सरकार जो कर रही है उसका सबको पता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट किसके पीछे क्या कर रही है सब विदित है। और मेरे को आज खुशी इस बात की है, आज हम लोकमत की बात करेंगे, राजनीतियों की बात नहीं करके। कभी लोग इतनी ऊंचे सुर में, इतनी आवाज में आज अपनी बात सुन रहे हैं, कह रहे हैं, देखिए लोकतंत्र है, यहाँ पे जनता की आवाज़ सुनी जाती है, और इसमें जो दोषी होता है उसको उसके साथ बिल्कुल उसको जेल में भी ठूसा जाना चाहिए, और जो चोर है, मक्कार है, धुरत है, उन राजनीतिकों को बिल्कुल कानून की डंडे की चोट लगनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं निर्दोष है कि मनीष सिसोदिया। देखिए, ये जांच का विषय है, क्या है क्या नहीं, वो तथ्य सामने आएंगे, कहां तक कौन किसके पीछे है सब सामने आ जाएगा, और केंद्र सरकार का क्या प्रारूप है और राज्य सरकार ने क्या किया है ये आप लोग भी देख रहे हैं, प्रेस मीडिया, जनमत की, लोकतंत्र की आवाज, सब सब कुछ सामने आ जाएगा। जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, अब एक के साथ एक फ्री देना तो ये तो गलत ही है ना। अगर मान लीजिए शिक्षा के ऊपर उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं हो रही है, शराब के ऊपर इंक्वायरी हो रही है, जब इंक्वायरी हो रही है तो साथ दीजिए और बाहर आ जाइए। अब यानी शराब के ऊपर इंक्वायरी हो रही है, शराब के ऊपर ही तो हो रही है इंक्वायरी, बेस्ट शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर दिया, तो गिरफ्तार शिक्षा हो या मंत्री हो गलत तो गलत ही है ना। ये देखो ना आप किस पॉइंट पे आप गिरफ्तार हुए, शिक्षा के ऊपर गिरफ्तार नहीं हुए, ये दारू के ऊपर गिरफ्तार हुए, तो उसमें इनको साथ देना चाहिए।